नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा बस शुरू ही होने वाली है, जिससे पहले प्रशासन सभी तैयारियों को दुरुस्त करने में लगा हुआ है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी सड़क कटिंग का काम जोरों से किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच एक पहाड़ टूटकर सड़क पर गिर गया, जिससे आसपास हड़कंप मच गया। पहले तो पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर सड़क पर आया और फिर धीरे धीरे पूरा इलाका लैंडस्लाइड जोन बनता चला गया और मलबे के साथ ही कई पेड़ भी नीचे गिरने लगे। मौके पर एनएच कंपनी के ठेकेदार और मशीन ऑपरेटर काम कर रहे थे, जिन्होंने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। बद्रीनाथ हाईवे पर बॉलडोना पुल के पास ये पहाड़ टूटने से आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई, साथ ही गोविंद घाट और पंडुकेश्वर की ओर जा रहे वाहन भी फंस गए। गरीबत ये रही कि पहाड़ टूटने से किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। चिंता की बात यह है कि आने वाली 8 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलने वाले हैं और ऐसे में पहाड़ टूटने से हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार का भी कहना है कि सड़क मार्ग पर इस तरीके से मलबा आना यात्रियों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए चिंताजनक है। तो इस खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।